सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से मैं पाइथन लैंग्वेज पे वीडियोस डाल रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज जो है वो जावा से भी पहले आया था, लेकिन उस वक्त का मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा था कि जावा जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन पाइथन बहुत इजी टू यूज़ है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है, पाइथन उन लोगों के लिए भी है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया है, अभी सपोज पाइथन से ही शुरू किया है, तो ये मेरी गारंटी है कि अगर मैं पाइथन के पूरे सीरीज़ को देख लिया जाए, वीडियो सीरीज़ को देख लिया जाए, तो वो एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी सी, सी प्लस प्लस, जावा ऐसे लैंग्वेजेस को पढ़ के आए होंगे, वो लोग भी पाइथन सीख सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, वो लोग भी पाइथन सीख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पाइथन जो है वो अपने आप में एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको लिखना समझना बहुत ही आसान है और जिसका इस्तेमाल डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने से, डेवलप करने से लेके वेब एप्लीकेशन तक के डेवलपमेंट में किया जाता है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट। तो सबसे पहले मैं पाइथन के रूट तक पहुंच जाता हूं। यहाँ पे मैंने abc.py बना के रखा है, ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, लिस्ट क्या है। लिस्ट जो है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एलिमेंट्स। लेकिन इसके साथ खासियत क्या है, इट मस्ट बी रिटन या इट कैन बी, बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन विद इन दिस ब्रैकेट। जैसे मैंने बनाया लिस्ट वन, लिस्ट वन इक्वल्स, और ऐसे मैंने लिख दिया कोहली, रोहित, धोनी, पठान, रैना। चलिए, ये एक चीज है। अब मैंने प्रिंट किया लिस्ट वन को, अगर मैं यहाँ पे पाइथन abc.py करूँ तो ये देखिए आपका लिस्ट आ गया। आप चाहें, अगर आप चाहें तो एक एक आइटम को भी प्रिंट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लिस्ट का जो पहला आइटम है द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम इज ज़ीरो। अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट ऑफ ज़ीरो, फर्स्ट आइटम का वन होता है, लिस्ट वन है ना, लिस्ट वन ज़ीरो, ये देखिए कोहली आ गया। तो ज़ीरो होता है इसी वजह से, अगर आप लास्ट आइटम तक
जाएंगे तो लेंथ के एक कम तक रहेगा, लेंथ रहेगा। आप चाहें तो अब जैसे सपोज आपने प्रिंट किया लिस्ट के माइनस टू, निगेटिव माइनस टू मतलब लिस्ट के पीछे से दूसरा आइटम, यहां लिस्ट लिस्ट वन है, लिस्ट के पीछे से दूसरा आइटम पठान आ गया। देखिए लिस्ट के पीछे से दूसरा आइटम है पठान, ये आपका क्या प्रिंट कर रहा है, इट विल प्रिंट द फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। जबकि ये क्या कर रहा है, इट विल प्रिंट द आइटम ऑफ द लिस्ट सेकेंड आइटम, एक्चुअली टू है ना, सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इंडेक्स में पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं लिस्ट वन का आइटम दो से या एक से, एक मतलब रोहित से, दो तीन तक, तीन तक के लिए चार देना होगा, इट विल प्रिंट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द इंडेक्स वन टू थ्री। यहां लास्ट वाला आइटम जो इंडेक्स में दिया हुआ होता है वो एक्चुअली फोर विल बी एक्सक्लूडेड, फोर विल बी एक्सक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यही निगेटिव रेंज के साथ भी होता है। देखिए रोहित धोनी पठान आया, रैना छूट गया, जबकि मैंने एक से चार दिया था तो चार आइटम आना चाहिए था, जबकि तीन ही आइटम आया, मतलब मैं सही हूं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, निगेटिव रेंजिंग के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप सपोज वन टू थ्री फोर फाइव मतलब उधर से माइनस, अगर आप यहाँ पे मान लिया माइनस फोर से माइनस टू तक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा माइनस फोर से माइनस टू तक, तो धोनी और रोहित आया माइनस फोर से माइनस टू, यहाँ माइनस टू विल बी एक्सक्लूडेड, यहाँ माइनस टू जो है वो एक्सक्लूड होगा और जो इंड जो वैल्यू प्रिंट होगा वो माइनस फोर से एक्चुअली माइनस थ्री तक ही होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव रेंज के साथ आपका काम हो गया। आप अगर चाहें तो किसी लिस्ट के वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिस्ट वन के पहले वैल्यू को, जहां पहला वैल्यू मतलब इंडेक्स नंबर जीरो मतलब जिसमें कोहली है, वहां पे मैं विराट रखना चाह रहा हूं, और अब आप प्रिंट कीजिए लिस्ट वन को, आप पाएंगे कि जहां बाकी समय में कोहली आ रहा था अभी विराट आ रहा है, क्योंकि ये चेंज हो गया, ये आप चेंज कर सकते हैं, आपने चेंज कर दिया, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द गिवेन इंडेक्स ऑफ द लिस्ट बाय द गिवेन वैल्यू। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप यहां पर अब लूप भी चला सकते हैं, जैसे आप क्या लूप चलाना चाहते हैं, जैसे सपोज फोर ए इन
लिस्ट प्रिंट ए, तो ये क्या करेगा, ये एक एक करके लिस्ट के वैल्यू को, लिस्ट नहीं लिस्ट वन है एक्चुअली, मैं बार बार गड़बड़ा जा रहा हूँ, ये लिस्ट के एक एक वैल्यू को उठा के सामने रख देगा अलग अलग, एक एक वैल्यू आप फेच कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये। अच्छा अभी अगर मैं लिखना चाहूँ, ये हो गया ट्रैवर्सल ऑफ द लिस्ट आइटम वाइज, अगर मैं लिखूं फोर धोनी इन लिस्ट वन, अगर ऐसा है मतलब लिस्ट वन में अगर धोनी है तो प्रिंट सेवन, फॉर धोनी इन लिस्ट वन, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं एक्स में धोनी को रख दे रहा हूँ और यहाँ फॉर एक्स इन लिस्ट वन ऐसा कर दे रहा हूँ, हाँ धोनी है तो जितनी दफ़ा भी धोनी मिल रहा है फॉर हर बार वो प्रिंट कर रहा है कि धोनी लिस्ट में है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ फोर एक्स नॉट इन लिस्ट वन प्रिंट एट, नॉट इन काम नहीं कर रहा है। चलिए ये तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ होना नहीं चाहिए था, ये तो सात बार प्रिंट हो गया, हम लोग ऐसा कर सकते हैं वो अलग बात है। अगर हम ऐसा लिखें कि इफ़, मेरा मकसद वो चीज़ समझाना नहीं था, इफ़ धोनी इन लिस्ट वन देन प्रिंट सेवन, अभी देखिए एक बार सेवन आया, वैसे चूंकि लिस्ट में धोनी था लूप चल रहा था हर एक आइटम के लिए इसलिए उतनी दफ़ा वैसा आ रहा था, तो ये आप एक पर्टिकुलर आइटम को चेक कर सकते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं चेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट। अब जरा एक चीज़ जो कल के वीडियो में भी नहीं हुआ था, मुझसे गलती होती है तो मैं उसको मानता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ कि अगर नॉट इन शायद एग्जीक्यूट हो जाए, ये सेव अल्ट एफ एस ठीक है, अगर नहीं है तो प्रिंट करो आठ को, लेकिन धोनी तो है मतलब नॉट इन तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर नवादा नहीं है लिस्ट में, बिल्कुल सही, अब ये नॉट इन का एग्जांपल हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर का, ये देखिए आठ प्रिंट हो रहा है, तो ये चेकिंग हो रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम दैट इज नॉट इन द लिस्ट, इस चीज को समझिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब अलग अलग चीज है। एक जगह आप ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक जगह आप इन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह आप नॉट इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा आप चलिए आप ऐसा करते हैं, आप एक कॉपी बनाते हैं, मेरे पास लिस्ट वन है, मैं लिस्ट टू, अब कॉपी बनाने के लिए क्या किया जाए, कॉपी बनाने का
बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे लिस्ट वन इज लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी। इससे क्या हो रहा है, कॉपी ऑफ द लिस्ट वन विल बी क्रिएटेड नेम्ड लिस्ट टू। और क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये तो पता करने वाली बात है ना। आप प्रिंट कर लीजिए लिस्ट टू को, अगर हो रहा है तो बिल्कुल होगा। हाँ हो गया, लिस्ट टू कॉपी तो हो गया। ये एक तरीका हो गया आपको आपके लिस्ट को कॉपी करने का। अगर सपोज ये कॉपी करने का तरीका है, अगर मैं ऐसा लिखता, ऐसा करता हूं, इस कमेंट लाइन को उठा के मैं यहां रख देता हूं, क्या कॉपी करने का कोई और तरीका है? मैं लिस्ट थ्री में कॉपी कर रहा हूं, लिस्ट थ्री इज इक्वल टू लिस्ट नाम का एक फंक्शन है लिस्ट, और किसका कॉपी कर रहा हूं, लिस्ट वन का कॉपी कर रहा हूं। और अब आप यहां लिस्ट थ्री को कॉपी कीजिए, मतलब लिस्ट थ्री के नाम से कॉपी हो रहा है। किसका कॉपी हो रहा है, लिस्ट वन का। मैं यहां पे ये चीज लिख दे रहा हूं, कॉपी ऑफ द लिस्ट नेम्ड लिस्ट वन विल बी क्रिएटेड एज नेम्ड लिस्ट टू। कॉपी ऑफ द लिस्ट, यहां पे भी तो लिस्ट वन ही का कॉपी हो रहा है ना, विल बी क्रिएटेड एज नेम्ड लिस्ट थ्री। आप प्रिंट करके देख लीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो ये कॉपी भी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि दोनों में हालांकि सेम चीज है, तो चलिए कुछ मैं अलग करना चाहता हूं। लिस्ट थ्री मेरे पास है, मैं ऐसा करता हूं, लिस्ट थ्री में मैं कुछ जोड़, अभी अभी मैं ऐसा करता हूं कि प्रिंट करता हूं लेन ऑफ लिस्ट वन। ये क्या करेगा, इट विल प्रिंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट नेम्ड लिस्ट वन। ये तो कंफर्म बात है। और तीनों लिस्ट का, लिस्ट टू का, लिस्ट थ्री का, लिस्ट टू का और लिस्ट थ्री का मैं कॉपी बना दिया मैंने। तीनों में पांच पांच आइटम है, ये लेंथ बता रहा है, पांच पांच पांच। तो आपका लेन फंक्शन भी समझ में आ गया इसके वजह से कि हाँ भाई ऐसा होता है। अब मैं चाहता हूं कि लिस्ट वन में मैं कुछ ऐड कर दूं, कहां से, या मैं एक लिस्ट फोर बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं नवादा गया। बस दो ही चीज, लिस्ट फोर में दो ही चीज है। अब मैं लिखता हूं फोर ए इन लिस्ट वन, और यहां लिखता हूं लिस्ट लिस्ट वन डॉट, लिस्ट वन में थोड़ी अपेंड करना है, लिस्ट फोर में अपेंड करना है, डॉट अपेंड ए को। अपेंड मतलब आइटम ऑफ द लिस्ट वन, एक्चुअली आइटम नहीं आइटम्स, क्योंकि मोर देन वंस लूप चलेगा। आइटम्स ऑफ द लिस्ट वन विल बी अपेंडेड, अपेंडेड मीन्स एडेड एट द लास्ट
इनटू लिस्ट 4। अब लूप से बाहर निकल के आप प्रिंट कीजिए ना लिस्ट 4 को, देखिए क्या होता है। ये देखिए नवाड़ा गया और उसके बाद बाकी जो है लिस्ट 1 का चीज चला आया। तो आपने अपेंड भी कर लिया, बहुत बहुत ही सिंपल सी बात। अब मैं ये चाहता हूं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 4 को आपस में मिला के एक लिस्ट 5 बनाऊं। लिस्ट 5 इक्वल्स लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 4। क्या ऐसा करने से अगर मैं लिस्ट 5 को प्रिंट करूं, ये देखिए बिल्कुल अपेंड हो गया, सामने है लिस्ट का आउटपुट। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, इट विल ज्वाइन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 4 टू फॉर्म या क्रिएट लिस्ट 5। ये एक आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि आप ज्वाइन कैसे करवाते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज है, जैसे लिस्ट 5 का अब कुछ नहीं रहा, तो आप ऐसा कीजिए ना, देखिए लिस्ट 5 में टोटल कितना आइटम है, लिस्ट 5 में रहना तक है। तो अगर मैं चाहूँ, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, विराट से, तो अगर मैं चाहूँ डेल लिस्ट 5 का 0, ये क्या करेगा, इट विल डिलीट द फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट नेम्ड लिस्ट 5। और आप प्रिंट कर लीजिए लिस्ट 5 को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। देखिए विराट से शुरू हो रहा था, विराट खत्म हो गया, रोहित से शुरू हो गया। इसका मतलब है आप किसी भी इंडेक्स के, मैंने वहां 0 दिया है तो पहला आइटम डिलीट हुआ है, आप वहां 1 दे दें दूसरा आइटम डिलीट हो जाएगा, 2 दे दें तीसरा आइटम डिलीट हो जाएगा, एंड सो ऑन लेंथ तक आप जा सकते हैं। तो आप इंडेक्स पर भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे लिस्ट को ही डिलीट करना है, लिस्ट 5 को ही, ये क्या करेगा, इट विल डिलीट द होल लिस्ट नेम्ड लिस्ट 5। और उसके बाद आप प्रिंट कर कीजिए लिस्ट 5 को, तो आप पाएंगे कि हाँ वो लिस्ट तो एग्जीक्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वाह सही बात है, ये एरर आना तो इम्पोर्टेंस है, यही तो पहचान है कि हाँ ये चीज हुआ। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, आपने लिस्ट को डिलीट कर लिया। अच्छा अभी तक लिस्ट 1 में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, लिस्ट 1 डॉट क्लियर ये क्या करेगा, इट विल क्लियर द लिस्ट नेम्ड लिस्ट 1। जरा आप प्रिंट कीजिए लिस्ट 1 को, देखिए क्या होता है। अच्छा लिस्ट 5 तो आपका डिलीट हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि इसके वजह से आगे का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो इसको फिलहाल हम कमेंट लाइन बना देते हैं। समझ में तो आ ही गया है, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। ये देखिए क्लियर हो गया लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 1, ये आपका जो बिना बिना किसी मेंबर के आ रहा है, तो आपने क्लियर भी कर दिया। बहुत आसान सा चीज़ है, लेंथ भी हम लोगों ने निकाल ही लिया है। अच्छा अगर सपोज अभी आपके पास एग्जिस्ट क्या कर रहा है, 2, 3, 4 है, ये तो पक्का है,
आप ऐसा कीजिए, प्रिंट कीजिए लिस्ट टू को, प्रिंट कीजिए लिस्ट थ्री को और प्रिंट कीजिए लिस्ट फोर को। और अब आप देखिए ये टू थ्री फोर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप चाहते ये हैं कि टू और फोर आपस में मिल जाए, ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन उस ढंग से नहीं, अपेंड के तरह, अपेंड फंक्शन पहले बताया हुआ है। तो आप लिखते हैं लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड, कौन सा लिस्ट भाई, लिस्ट फोर। ये क्या करेगा, इट विल अपेंड द आइटम्स ऑफ लिस्ट फोर इनटू लिस्ट टू। और आप प्रिंट कीजिए लिस्ट टू को तो आप पाएंगे कि हाँ वाकई ऐसा हुआ। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें कहीं लिस्ट कौन सा है मेरा, टू है ना। चलिए टू में मैं दिल्ली को ऐड करना चाह रहा हूं, टू में। तो मैं यहां पर लिखता हूं लिस्ट टू डॉट अपेंड दिल्ली। ये क्या करेगा, इट विल अपेंड दिल्ली इनटू द लिस्ट, लिस्ट टू। और आप प्रिंट कीजिए लिस्ट टू को तो आप पाएंगे कि वाकई लास्ट में देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका दिल्ली अपेंड हो चुका है। आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिस्ट टू डॉट इंसर्ट करना चाहूँ, लिस्ट टू में इंसर्ट करो, पहले पोजीशन में इंसर्ट करो सूरज को, और उसके बाद आप प्रिंट करना चाहते हैं लिस्ट टू को, तो ये कर क्या रहा है, इट विल इंसर्ट द न्यू आइटम इनटू द गिवन लिस्ट एट द गिवन इंडेक्स। और आप इसको देखें, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऐड हो गया, ये इस बात का सबूत है कि हाँ इंसर्ट हो रहा है। अब सपोज कि मैं पहले आइटम को मिटाना चाहता हूँ, या किसी भी आइटम को मिटा सकता हूँ, लिस्ट टू डॉट रिमूव, किसको मिटाऊं, ऐसे मिटा देता हूं। शुरू में क्या है, विराट है, विराट, इट विल रिमूव विराट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट टू। अब आप प्रिंट करें लिस्ट टू को तो आपको पता चलेगा कि क्या विराट मिटा, बिल्कुल मिटा, तभी तो सूरज जो है जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। अगर आप लिस्ट टू डॉट रिमूव और यहाँ इंडेक्स दे दें, चौथे इंडेक्स के वैल्यू को मिटाओ भैया, प्रिंट लिस्ट टू, नहीं जब भी है तो वैल्यू पर ही मिटेगा। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं पॉप, पॉप में ऐसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि पॉप में आप, पॉप का मतलब होता है डिलीशन ऑफ द फर्स्ट आइटम। ये क्या करेगा, इट विल डिलीट या रिमूव
the first item of the list, list 2. और आप देखिए, सूरज है पहला आइटम, list 2 dot pop, और प्रिंट हमने लिस्ट 2 को ही किया है. और लिस्ट 2 में पहले क्या है? अच्छा, पॉप हो रहा है, लास्ट आइटम में है, डिलीट पॉप, इट विल डिलीट लास्ट आइटम. ये आपका लास्ट आइटम को मिटा दिया. ठीक है, तो इस तरह का चीज़ है, फंक्शन है जो आपको याद रखना होगा. अब जैसे बहुत सारा फंक्शन है, अब जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट टू डॉट सॉर्ट. अब आप देखिए, ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही आया है, सॉर्ट आया तो नहीं, लिस्ट टू डॉट सॉर्ट. और प्रिंट मैंने किया लिस्ट टू को, देखिए सॉर्ट हो गया, है ना, बिल्कुल सही है. उसी ढंग से अगर मैं ये क्या कर रहा है, इट विल सॉर्ट द लिस्ट. अगर मैं लिखूं लिस्ट टू डॉट रिवर्स, ये क्या करेगा, इट विल रिवर्स द लिस्ट. और अगर मैं प्रिंट करूं यहां पे लिस्ट टू को, देखिए बिल्कुल उल्टा आ गया, पहले धोनी, धोनी गया नवादा, पठान, पठान रहना, रहना रोहित, रोहित चूंकि मर गया था इसलिए अब बिल्कुल उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. तो हाँ बिल्कुल है, ऐसा है. अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट टू डॉट सी ओ यू एन टी काउंट, तो काउंट नहीं आ रहा है. अगर मैं सपोज डब्ल्यू में रख लूं या सी में रख लूं, सी इज इक्वल टू लिस्ट टू डॉट काउंट, और मैं प्रिंट करूं सी का वैल्यू, टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट. अच्छा, प्रिंट काउंट ऑफ लिस्ट टू, ऐसा नहीं हो रहा. खैर, बाकी जो फंक्शंस हैं, कुछ एक फंक्शन बचे हुए, एक दो फंक्शन ज़्यादा नहीं है, है ना. तो उम्मीद है ये सारा चीज़ आप लोगों ने देखा अभी तक. इसको प्रैक्टिस करते रहें, सीखने की कोशिश करें. आज का पूरा जो फोकस था वीडियो का, वो लिस्ट के ऊपर था. कम से कम इतना समझ में आया कि लिस्ट जो है वो कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का, जो चेंजेबल होता है नेचर में. मैंने चेंज करके भी दिखाया, लिस्ट को कॉपी करके दिखाया, लिस्ट को डिलीट करके दिखाया, लिस्ट को क्लियर करके दिखाया, लिस्ट को ज्वाइन करके दिखाया, लिस्ट को ट्रैवर्स करके दिखाया, उसके साथ मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन का इस्तेमाल करके दिखाया. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर हो. क्योंकि पाइथन ऐसा इजी लैंग्वेज कोई है नहीं. और जितना हो सके शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक्स थैंक्स अ लॉट.